ये अपना थाना है अंबेडकर नगर, साउथ दिल्ली में पड़ता है। लास्ट ईयर 699/21 एक केस रजिस्टर्ड हुआ उधर मर्डर का। उसमें तीन लोग वांटेड चल रहे थे, तुषार एलियस बच्चा, अभिषेक एलियस भोला, ईशु। ठीक है, इसमें अभिषेक एलियस भोला ये डेस्परेट क्रिमिनल है, पहले भी मर्डर हाफ मर्डर में ही अंदर रह चुका है। ठीक है ना, और क्योंकि ये लोग ना तो फ़ोन यूज़ कर रहे थे अभी, ठीक है, और व्हाट्सएप और इनके थ्रू ही बातचीत कर रहे थे, इंस्टाग्राम वगैरह, तो काफ़ी टफ था हमारे लिए भी चेज करना। हमारे पास यहाँ का कोई एड्रेस भी नहीं था, जस्ट हमने एक IPDR के थ्रू एक लोकेशन ट्रेस किया, जो लोकेशन आपका इधर बिजनी का रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसके बेस पे हम दिल्ली से वहाँ से इनके वारंट वगैरह ऑलरेडी इशू थे, तो हम चेज करते हुए आए यहाँ। हमने काफ़ी एफर्ट्स किए, ठीक है, कोऑपरेशन मिला, पुलिस का भी मिला यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक का भी मिला, हाँ आसाम पुलिस का मिला, तो हम इनको डेफिनेटली फिर हमने इनको नैब किया। ये आपका मटियापुर पूरा पड़ता है इधर से, वहाँ से नैब किया है। इनमें से एक है हार्डकोर क्रिमिनल है, वो पहले मर्डर में, वो पहले कितना मर्डर कर चुका है अभी हमारे पास कंक्लूड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये है कि वो मर्डर और हाफ मर्डर में अंदर रहा है। ठीक, दिल्ली सरकार से कुछ इनको पकड़ने के लिए कुछ इनाम रखा था? नहीं, इनाम तो हम नहीं कह सकते, बट वारंट इशू है कोर्ट से, इनके खिलाफ वारंट इशू है, ठीक है ना, और क्योंकि बड़े सातिर क्रिमिनल है तो लाजमी है अपना फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करते अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, और उस हिसाब से आप देखिए दिल्ली से कहाँ गए, उसके बावजूद फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी इनमें एक मुलजिम काफ़ी डेस्परेट था। कहाँ पे था बिजनी का? हाँ, बिजनी ये मटियापुरा है, यहाँ पे मटियापारा, हाँ वहाँ एक घर में इन्होंने शरण लिया हुआ था, इनका एक नॉन है, ठीक है, उनके यहाँ पे था। उनके पास तो सिम नहीं था, वो शायद वो लोग वाईफाई कॉल के जरिए, सिम नहीं था, ये लोग नेट यूज़ कर रहे थे, IPDR और डोंगल में यूज़ करके सिम वगैरह, तो क्योंकि साथी रही नहीं, पता चलता पुलिस चेज करेगा तुम्हें, ठीक है, तो इस वजह से अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए, और वो सिम वगैरह यूज़ नहीं कर रहा था ये, ठीक है, IPDR के थ्रू हमने इनको ट्रेस किया है। IPDR भी पूरा उसका टावर का रिफ्लेक्ट कर रहा था, एक कोई पर्टिकुलर लोकेशन हमारे पास नहीं था, बट क्योंकि हमने मेहनत किया और वो रंग लाई है। ये जो बंदा था ये कितने दिन से फरार हुआ है? ये है करीब ये 23/12 का इंसिडेंट है, 23/12/2021 का, उसके जस्ट 2-3 दिन बाद 27 से ये फरार चल रहा है, तब से इसका कोई वेयर अबाउट्स किसी को नहीं पता है, फ़ोन वगैरह कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, थैंक